गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वाव स्किन साइंस ग्रीक योगर्ट फेस वॉश के बारे में। ये फेस वॉश को आए हुए टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने इसको अभी यूज़ करना स्टार्ट करा है। मैं अराउंड 2 मंथ्स इसको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना रिव्यू शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इस फेस वॉश में है योगर्ट, योगर्ट यानी कर्ड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपके स्किन की टॉप मोस्ट लेयर को डीपली क्लेंस करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। गाइस, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी कर्ड से रिलेटेड वीडियो शेयर करी हैं, जिसमें कर्ड फेशियल, कर्ड फेस पैक वगैरह यूज़ करे हैं। कर्ड का यूज़ अपनी डेली रूटीन केयर में ज़रूर करना चाहिए। अगर जो लोग कर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो इस तरीके के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आज एक ऐसे ही फेस वॉश का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है वाव स्किन साइंस ग्रीक योगर्ट फेस वॉश। इस फेस वॉश को मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन देन कीप ऑन वॉचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो प्रोडक्ट है वो ऑल स्किन टाइप्स है एंड सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है। इस प्रोडक्ट में नो पैराबेन, नो सिलिकॉन्स, नो कलर एंड नो सल्फेट है। ये जो प्रोडक्ट है वो 100% वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, फॉर्मेटेड इन USA एंड मेड इन हिमालयाज है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसकी अगर पैकेजिंग की बात करी जाए तो ये वाइट कलर की पैकेजिंग में आता है। इसका प्राइस है 299 रुपीज़। 299 रुपीज़ में आपको 100 ml की ट्यूब मिलती है और इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। ग्रीक योगर्ट फेस वॉश वाइट एंड गोल्डन कलर की ट्यूब पैकेजिंग में आता है, जिसके ऊपर एक फ्लिप कवर होता है, जिसको बंद करते ही टक की साउंड सुनाई देती है। इसकी वजह से प्रोडक्ट लीक नहीं होता है और इस प्रोडक्ट को आप ट्रेडिंग में कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी की बात की जाए, कंसिस्टेंसी इसकी लिक्विडी कंसिस्टेंसी है। ये एक वाइट कलर का फेस वॉश है, जिसमें बहुत माइल्ड फ्रेगनेंस आती है। ट्यूब पैकेजिंग होने की वजह से ये प्रोडक्ट हाइजीनिक टू यूज़ है। वैसे तो ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप्स है, इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, बट इट रिकमेंडेड अ पैच टेस्ट बिफोर यूज़। इफ़ एनी इरिटेशन अकर्स, discontinue and please don't use on inflamed skin. This is a anti-aging, anti-blemish face wash जो कि आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, वो भी विदाउट ड्राई आउट किए हुए। ये जो फेस वॉश है आपके स्किन के टॉप मोस्ट लेयर को डीपली क्लेंस करता है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, अगर आपकी पैची स्किन है तो उसको इवन आउट करता है, स्किन को डीपली एक्सप्लोइट करके स्किन को सॉफ्ट, फ्रेश एंड क्लियर बनाता है। ये जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन की फाइन लाइंस रिड्यूस करते हैं और आपकी एजिंग स्लो करता है और स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें योगर्ट, लैक्टिक एसिड, एलोवेरा एंड हाइलोरोनिक एसिड है। अब इसका क्या क्या वर्क है, आइए देखते हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है योगर्ट। इसमें योगर्ट पाउडर यूज़ करा गया है। योगर्ट पाउडर का जो वर्क होता है वो आपके स्किन को ब्राइटर बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके डार्क सर्कल हैं, टैनिंग है, तो उसको रिमूव करता है, स्किन के फाइन लाइंस को रिमूव करता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का वर्क होता है आपके स्किन को डीपली क्लेंस करना। ये आपके स्किन की टॉप मोस्ट लेयर को डीपली क्लेंस करता है और स्किन को एक्सप्लोर करके स्किन को फ्रेश एंड यूथफुल बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा का वर्क हम सब जानते हैं, एलोवेरा हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, अगर हमारी स्किन में कोई पिगमेंटेशन होता है तो उसको रिमूव करता है और स्किन को ब्राइट और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड का वर्क होता है हमारे स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करना। सो गाइज, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं, इसलिए आप इसे विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हैं। इस फेस वॉश को वैसे ही यूज़ करना है जैसे कि नॉर्मल फेस वॉश करते हैं। अपने फेस को वेट करिए, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ में लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई करिए। फिर आपको 30-60 सेकंड तक मसाज करनी है, देन नॉर्मल पानी से वॉश करना है, देन पैक ड्राई। हो सकता है इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगे, बट आपके स्किन में ग्लो आएगा, स्किन ब्राइट बनेगी और स्किन सॉफ्ट लगेगी। इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद मेरी स्किन में कोई इरिटेशन नहीं हुई है, कोई पिंपल्स नहीं है, बल्कि ये जो फेस वॉश है मेरे मेकअप को अच्छे से क्लेंस करती है और स्किन को ब्राइटर बनाती है। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस फेस वॉश को यूज़ करें। आप इस फेस वॉश को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन लिंक मैंने शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट दिस फेस वॉश। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करेगा। मैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।